नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत लाया गया किरपाल का शव, दिल आमाशय गायब। पाकिस्तान की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए भारतीय कैदी किरपाल सिंह का शव यहां भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। शव से दिल और आमाशय जैसे अंग गायब थे। अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बीएस बल ने कहा कि किरपाल सिंह के शव की पोस्टमार्टम जांच में पाया गया कि उनका दिल और पेट गायब था। हालांकि शव पर किसी तरह की अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं पाई गई। बल ने कहा कि अब हम उसके गुर्दे, लीवर और इन दोनों अंगों के नमूने प्रयोगशाला की जांच के लिए अमृतसर से बाहर भेजेंगे ताकि की मौत से जुड़े और तथ्यों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पोस्टमार्टम के दौरान गुर्दे और लीवर का कोई नमूना नहीं लिया था, जो मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए जरूरी है। पीएफ पर झुकी सरकार, वापस लिया फैसला। कर्मचारी भविष्य निधि की योजना से धन निकालने के नियमों को सख्त किए जाने के खिलाफ कर्मचारियों के बढ़ते विरोध के मद्देनजर सरकार ने संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस फैसले से कुछ ही घंटे पहले सरकार ने अधिसूचना के क्रियान्वयन को 3 महीने के लिए टालने का निर्णय लिया था। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 10 फरवरी 2016 को जारी अधिसूचना रद्द कर दी गई है, अब पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं ईपीएफओ के केंद्रीय न्यायसी बोर्ड से इसकी पुष्टि कराऊंगा। भविष्य निधि से जुड़े नए नियमों का विरोध करते हुए बेंगलोर में कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी और एक थाने पर हमला भी कर दिया। सरकार ने कोहिनूर पर पलटी मारी। सरकार ने कोहिनूर हीरे के मुद्दे पर पलटी मारते हुए कहा कि वह बेशकीमती हीरे को वापस लाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। हालांकि पहले उसने उच्चतम न्यायालय में कहा था कि इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा न तो चुराया गया था और न ही जबरन छीना गया था, बल्कि पंजाब के शासकों ने इसे दिया था। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कोहिनूर हीरे के संबंध में प्रेस में आई कुछ खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। सरकार सौहार्दपूर्ण तरीके से इस हीरे को स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने अभी तक न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा है।